फिल्म के इस सीन के दौरान किंग खान की जा सकती थी जान, राकेश रोशन ने किया खुलासा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की तारीफ हर कोई करता है। जो भी सितारा उनके संघर्ष के दिनों से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि शाहरुख काम को लेकर कितने जुनूनी हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान का सिक्का 90 के दशक से फिल्मी दुनिया में चलता आ रहा है। शाहरुख का फिल्म में होना ही उसकी सफलता की गारंटी माना जाता है। लेकिन साल 1997 में जब राकेश रोशन की फिल्म कोयला बॉक्स ऑफिस पर आई तो हर कोई हैरान रह गया। फिल्म में शाहरुख के साथ माधुरी दीक्षित को पेयर किया गया था और विलेन के तौर पर अमरीश पुरी जैसे एक्टर थे। आपको बता दें कि साल 1997 में फिल्म कोयला आई थी और अब उसे रिलीज हुए 27 साल हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म के मेकर और डायरेक्टर राकेश रोशन ने शाहरुख खान को लेकर कुछ खुलासे किए हैं और फिल्म से जुड़ा अहम किस्सा भी बताया है। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि शाहरुख खान के साथ राकेश रोशन ने कई फिल्में बनाई और उनके फेवरेट एक्टर्स में से शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। राकेश रोशन ने कई बार शाहरुख की तारीफ की है, लेकिन फिल्म कोयला का वो किस्सा क्या था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल खबरों की माने तो राकेश रोशन ने फिल्म कोयला के 27वीं एनिवर्सरी पर फिल्म को लेकर कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि शाहरुख बहुत ही डेयरिंग पर्सन है। जब मैंने क्लाइमैक्स लिखा और शाहरुख को सुनाने गया तो मुझे लगा था कि वो इसे रिफ्यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उन्हें फिल्म के क्लाइमैक्स वाला सीन समझाया और कहा कि आपको बस आग लगाना है और शॉट बदला जाएगा, फिर बॉडी डबल पर पूरा सीन फिल्माया जाएगा। वहीं इसके आगे राकेश रोशन ने कहा कि जैसे ही उन्होंने शाहरुख को वो कहा तो शाहरुख ने कहा कि वो ही सीन करेंगे। राकेश को लगा कि शाहरुख ने आग लगाने वाली बात पर हामी भरी है, लेकिन शाहरुख ने पूरे सीन को लेकर हाँ बोला था। राकेश रोशन ने आगे कहा कि जब मैंने उन्हें शरीर पर आग लगाकर भागते देखा तो सच में मैं काफ़ी डर गया था। बताते चलें कि इससे पहले एक इंटरव्यू में सिनेमेटोग्राफर समीर आर्या ने बताया था कि वो सीन जब शूट हो रहा था तब वो भी वहीं थे। उन्होंने बताया कि शाहरुख ने जैसे ही शरीर पर आग लगाई तो सभी डर गए। आग इतनी तेज थी कि वो मर भी सकते थे, लेकिन जब सीन शूट हुआ और फायर को बुझाया गया तो सभी ने उनके लिए तालियां बजाई और सब ने कहा मान गए बॉस। बताते चलें कि साल 1997 में आई फिल्म कोयला में शाहरुख खान के अलावा माधुरी दीक्षित, अशोक सर्राफ, जॉनी लीवर और अमरीश पुरी अहम रोल में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था और उन्होंने ही फिल्म का निर्माण भी किया था। खबरों की माने तो फिल्म कोयला का बजट 12 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 27.96 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल साबित हुई थी।